तो आज हमारे पास आई है MI कंपनी की 43 इंच LED TV एंड इसमें जो फॉल्ट है दोस्तों वो है वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर MI किस टाइप का यहाँ पर शो हो रहा है एंड जैसे इसका होम पेज ओपन होता है तो पूरे स्क्रीन भर में यहाँ पर आपको बहुत सारी वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसे फॉल्ट को कैसे रिपेयर करना है, फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके बैक साइड को ओपन कर लिया हूँ एंड ये इसका मॉडल नंबर है L43MS-AN एंड ये 43 इंच की है एंड ये इसका मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है TPD.T950X.PB793 एंड्रॉयड मदरबोर्ड है ये। एंड दोस्तों ये इसका LUDS है एंड ये इसका टिकोन है दोस्तों। अभी मैं नीचे का बैक कवर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया हूँ एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टिकोन दिया हुआ है। इसमें डबल स्केलर PCB दी हुई है, एक लेफ्ट साइड की एंड एक राइट साइड की। तो लेफ्ट साइड में हमको टोटल 3 कॉप देखने को मिल जाती है एंड राइट साइड में हमको टोटल 3 कॉप देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसके LVDS दोनों LVDS में बहुत सारा डस्ट है यहाँ पर। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि डस्ट के कारण जो नमी आती है उसके कारण भी हमको इस टाइप के फॉल्ट देखने को मिल जाते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है एंड मैं लेफ्ट साइड के LVDS को भी निकाल के देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा डस्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ही LVDS को निकालेंगे एंड इसको मैं यहाँ पर साफ़ करके वापस लगा के देख लेता हूँ। अगर इससे हमारा पैनल ओके हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो हम आगे फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से दोनों LVDS को निकाल दिया हूँ एंड मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर टिकोन की वोल्टेज को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा VCC इनका एंड वोल्टेज इनका 12.50 यहाँ पर वोल्ट आ रहा है जो कि हमारे सप्लाई रहती है पैनल को ऑपरेट करने के लिए। एंड मैं आपको VGL दिखा देता हूँ, ये VGL दोस्तों जो कि माइनस में रहता है हमेशा -6.1 ओके। एंड ये हमारा VGS मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बेसिक वोल्टेज रहता है हमारे टिकोन के। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे को पता है कि सब चालू है बिकॉज हमारा ग्राफिक्स यहाँ पर बन रहा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों हमारा वोल्टेज यहाँ पर बन रहा होगा VGH VGL, ये आप देख पा रहे होंगे 25 वोल्ट यहाँ पर से हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, नॉलेज देने के लिए मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा हूँ। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड के LVDS को लगा दिया हूँ एंड राइट साइड के LVDS को निकाल के रखा हूँ। तो अब मैं उसको एक बार चालू करूँगा, देखूँगा कि हमारे कौन से साइड के LVDS में प्रॉब्लम है, यानी कौन से साइड के हमारे स्केलर PCB में प्रॉब्लम है। तो अभी इसको चालू कर चुका हूँ, हमारा बैकलाइट चालू हो चुका है एंड अब मैं इसको उठा के दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमको लेफ्ट साइड में हमारे दोस्तों बहुत सारे हमारे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन शो हो रही है एंड राइट साइड में हमारा ब्लैक एंड व्हाइट शो हो रहा है जो कि पट्टा शो हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का। अब मैं करूँगा लेफ्ट साइड के LVDS को निकालूंगा और राइट साइड के LVDS को लगाऊंगा। देन हमको ये देखना है दोस्तों कि हमारा जो हाफ पोर्शन है वो किस में ओके आता है और किस में बेकार आता है। तो अब मैंने क्या किया हूँ दोस्तों, लेफ्ट साइड के LVDS को यहाँ से निकाल देता हूँ, राइट साइड के LVDS को यहाँ से लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों अब मैं इसको वापस ऑन करता हूँ एंड ये हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू हो चुका है एंड अब मैं देखता हूँ कि हमारा जो हाफ पोर्शन है राइट साइड का वो ओके आया कि नहीं आया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ओके आ चुका है राइट साइड का स्केलर PCB। एंड दोस्तों जो हमारा लेफ्ट साइड का स्केलर PCB है उसमें हम जब लगा रहे थे तो उसमें वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन हमको दोनों ही शो हो रही थी। तो इसका मतलब दोस्तों कंफर्म हो चुका है जो हमारा लेफ्ट साइड का स्केलर PCB है उसमें प्रॉब्लम है एंड राइट साइड का स्केलर PCB ओके है। तो दोस्तों राइट साइड को मैं लगे रहने दूंगा, जो हमारा लेफ्ट साइड है दोस्तों इसको हमको रिपेयर करना है। कैसे रिपेयर करना है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टेप लिया हूँ दोस्तों, ये टेप को मैंने यहाँ पर लास्ट की 8 पिन पर मैंने इसको टेपिंग कर दिया हूँ। मैं आपको इसे बता देता हूँ, जो हमारा टिकोन रहता है दोस्तों इसके दोनों साइड में, हमारा टिकोन को लेफ्ट साइड में यहाँ पर और राइट साइड में यहाँ पर, दोनों साइड में हमको CKV की गेट लाइन देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया था हमारे लेफ्ट साइड की स्केलर PCB ख़राब है, तो मैंने लेफ्ट साइड के स्केलर PCB जो हमारा LVDS है इसके मैंने लास्ट में मैंने 8 पिन को टेपिंग कर दिया हूँ, यानी 8 पिन को मैंने छुपा दिया हूँ। तो अब मैंने इसको लगा चुका हूँ एंड अब मैं इसको वापस ऑन करता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर पैनल चालू होता है कि नहीं होता। तो अब मैं इसको उठाता हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी दोनों ही साइड की पिक्चर बराबर आ चुकी है एंड यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन शो नहीं हो रही है। तो ये हमारा MI लिखा आ चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एंड मैं इसको सीधा खड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये MI लिखा आ चुका है एंड अब यहाँ पर Android TV यहाँ पर लिखा आ जाएगा
एंड क्लियरिटी दोस्तों एकदम परफेक्ट है, कोई भी हमको वर्टिकल बार शो नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई भी हॉरिजॉन्टल बार शो नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एंड्रॉयड टीवी यहाँ पर लिखा आ चुका है, पूरा नीट एंड क्लीन। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसका होम पेज ओपन हो जाएगा, तो इसका होम पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होंगे कि सबको फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। तो आई होप बस आपको वाली वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इंटरेस्ट लाता रहूँगा। सो गाइस मिलता है अगली वीडियो में।